इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, वैद्य जो नुस्खे बता रहे हैं ये घर में हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं? नाम बताइए पहले अपना। हाँ, रचना जी। रचना जी, जी हकीम साहब जी। रचना जी, मैं तो सारे जो नुस्खे हैं वो आपको ही अप्लाई करने के लिए बताता हूँ, और मेरे साथ तो आप जैसी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो लिखते हैं ये नुस्खे, और अपने को भी ज़रूरत नहीं हो तो दूसरों को वो अपनी तरफ से मुफ्त में बना के देते हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसका बड़ा उसका सवाब है, बड़ा पुण्य है। तो आप अपने घर में भी बनाकर अप्लाई करें, और फ़ायदा हो तो दूसरों को भी बताएं ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। जी रचना जी, आपका कोई प्रश्न है रोग संबंधी? हाँ जी। आप कुछ जानना चाहती हैं सेहत से जुड़ा कोई प्रश्न हकीम साहब से? जानना ये कि बैक साइड में लेफ्ट में ना नस कोई दबी हुई है हमारी, तो काम सुन हो जाती है हमारी। जी कितनी एज है रचना जी आपकी, कितनी एज है? 65। हाँ देखिए, ऐसे ही रोगी जो बहुत दिन से तकलीफ में है, और कमर से तकलीफ शुरू होती है फिर टांग सुन होने लगती है, तो रोग का नाम बदल जाता है। कमर में खाली तकलीफ हो तो हम स्लिप डिस्क कह सकते हैं इसे। जब टांगों में भी तकलीफ आने लगे, दर्द भी आता है, सुन भी होती है, तो फिर हम इसे साइटिका कहते हैं। इसका यूनानी में बड़ा अच्छा इलाज है, आप इसको नुस्खे को खुद बनाएं और देखें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी। सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी और गौंसिया, एक गोंद आता है जिसे गौंसिया कहते हैं, काला गोंद भी कहा जाता है, ये जाहिर के में इतहाई कड़वा होता है। तो ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाएं। खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या अच्छे हालात हैं आपके तो जूस से भी ले सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर हैं सरोज भोपाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, हमारे पति के ना वो कमर में दोनों साइड पैरों में वो झिझनी आती है, झिझनी कमर में दर्द और झिझनी आती है। 68 साल है उनके पति की, हमारे पति की उम्र। ठीक है। अच्छा देखिए, इससे पहले भी यही फोन था, जिनका भी फोन था, एक फीमेल थे, और आपके पति को दोनों टांगों में, उनके एक टांग सुन होती थी, आपके दोनों टांगों में झुनझुनी आती है, वही नुस्खा सौंफ और धनिया, सौंठ, अलसी। सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी और गौंदसिया, काला गोंद कहा जाता है, ये बड़ा कड़वा, सबसे कड़वा गोंद यही होता है, और 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम 2-3 टाइम तक खा सकते हैं। और मजीद उनके लिए ये हिदायत भी है कि वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ये कुर्सी वाला होना चाहिए, तब आपको ठीक होना मुमकिन है। चलिए, तो आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये घरेलू उपचार अपना लीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। दर्शकों, अगर बात करें अतिया हर्ब्स की, तो आप सभी जानते हैं कि अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है, और जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी। तो आप लोगों को फ़ोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, बात करें पैरों के दर्द की, और वो दर्द ऐसा कि एक तो जोड़ों का दर्द हो जाता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं आपको घुटने बदलवाने पड़ जाएंगे, व्यक्ति क्या है भागता हुआ अपने घुटने बदलवा लेता है, उसके बावजूद भी उसको पेन वैसे का वैसे ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत आराम ही उसको मिल पाता है, लेकिन हमें अपने घुटने ना बदलवाने पड़े, हमारा वो दर्द ठीक हो जाए, उसके लिए वो घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? बड़ा ज़रूरी सवाल आपका, मुझे अच्छा लगा कि जी देखिए, मैंने क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ और आपने भी देखा होगा शायद कि मैंने ऑपरेट करने वाला कोई भी शख्स खुश नहीं देखा। बिल्कुल। जिसका भी ऑपरेशन किया गया है वो जितनी तकलीफ में होता है उससे ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, और
ऑपरेशन से पहले यूनानी दवा जरूर कोशिश करनी चाहिए जी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद फिर मसले और तकलीफ उससे ज़्यादा रहती है, तो 2-4 महीने यूनानी को अगर दें तो आप हो सकता है कि बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन कराया और फिर वो कभी न चल सके और न बैठ सके ज़मीन में, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, ज़मीन में तो कभी नहीं बैठ सकते और तकलीफ उनकी और ज़्यादा हो गई। देखिए, ऑपरेशन से बचने के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैं बार बार बताता हूँ और हज़ारों लाखों यानी लोगों के पास ये तहरीर है, लिखा हुआ है, और वो इस्तेमाल करते हैं और अपने परिवार को इस तकलीफ़ से बचा लेते हैं, और वही है कि अगर कमर में दर्द है तो आप, घुटनों में दर्द है तो, मोंडों में दर्द है तो, पूरे शरीर में कहीं दर्द है तो गोंद स्या, काला गोंद एक ऐसी दवा है जो रॉ मटेरियल के रूप में आपको मिलेगी, जायके में कड़वी होती है, आधा आधा ग्राम खाना होता है और 100-200 ग्राम अगर आप इसे हासिल कर लेंगे, ज़रा मुश्किल से मिलती है और नकली भी मिलती है, तो ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। दर्शकों, अपने व्यस्त शेड्यूल में से आप लोगों के सामने अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को अगर उनसे बात करनी है, आप लोग सीधा अपना कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है। आप लोग सेहतमंद रहेंगे तो अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को अपनाने हैं देसी नुस्खे, यूनानी पद्धति से आप लोगों को जुड़ना है। तो इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो नमस्ते जी। जी आदाब, कैसे हैं बताइए, क्या सवाल है? आप ये सवाल है मेरा, मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है। ठीक है, कितनी उम्र है बच्चा आपकी? मुझे 32 है मेरी। अरे, आप तो बहुत छोटी सी लग रही है, आवाज के हिसाब से बहुत छोटी लग रही हैं आप। अच्छा बच्चा, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपका बहुत जल्द ये थायराइड आपको छोड़ दे। आपके पास कॉपी पेन होगा तो लिख लें। देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नुस्खा नहीं देखा, घरेलू है। देखिए, धनिया लें 300 ग्राम, ये 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आपको आंवला, इस ये भी सूखा हुआ मिलता है, और 100 ग्राम मेथी, ये तीनों चीज़ें आपने लिख ली, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम आपको लेना है, 100 ग्राम आपको लेना है गोंद मोरिंगा। मोरिंगा का एक गोंद आता है जो मुश्किल से मिलता है, आप उसे हासिल करें, उनको पाउडर बना लें सबको, और एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम आपको ये पाउडर खाना है गर्म पानी के साथ। वो गोली जो आपकी चल रही वो भी नहीं छोड़ें। अगले महीने से आपका थायराइड कम होने लगेगा, आपके डॉक्टर के मशवरे से थायराइड की गोली की प्रोटेंसी कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो छूट जाएगी, और उसके बाद ये नुस्खा भी आपका ठीक हो जाएंगे, तो ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 6-7 महीने लगना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं सरबजीत, लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम, मेरे ना मतलब दोनों लास्ट पर फंगस की बीमारी है, खारिश होती है, फंगस है, डॉक्टर को दिखाया था तो 1 साल पहले हुआ था, तो बहुत दवाई खा ली हमने तो आराम नहीं आ रहा। समझ रहे हैं जी, एक बार दोबारा बताइए कहाँ पे आपको फंगस हो गई है? मेरे दोनों लात पे फंगस, खारिश होती है बहुत और फंगस। अच्छा अच्छा जी, आपको आपकी उम्र और बता दीजिए, कब से हो गया ये?
मेरे को एक साल हो गया, दवाई भी बहुत खाई है मैंने तो फर्क नहीं पड़ा। एज आपकी? एज मेरी हैगी है 40 साल। तो देखिए गौर से सुने और लिखें, ये आपका ठीक हो सकता है। खूब गौर से सुने। देखिए 300 ग्राम अलसी लें, अलसी को साफ करें, गंदी भी होती है, कुछ कंकर भी होते हैं उसमें, अक्सर साफ नहीं मिल पाती, और इसको भून लें हल्का सा, थोड़ा सा भून के 300 ग्राम अलसी और 100 ग्राम इसमें आप लेंगे धनिया, 300 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम आपको लेना है कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी कहते हैं, और इसको आप सबको पाउडर अपने घर में बनाएं तो ज़्यादा फायदा करेगा। पिसा पिसा लाएंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इनको आप पाउडर बनाएं और एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने से पहले या खाने के बाद जहाँ भी आपको सहूलत हो लिए, और आप देखेंगे ये जो 500-600 ग्राम मटेरियल मैंने आपको बताया, ये ख़त्म होते होते आपका रोग ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए आपका रोग ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने बातें नोट डाउन ज़रूर कर ली होंगी जो यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई हैं। देखिए दर्शकों, जब आप लोगों की कॉल यहाँ पे लग जाती है या फिर आप लोग कॉल ट्राई कर रहे होते हैं तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि आपको कैसे कैसे घरेलू नुस्खे अपनाने हैं, कितने ग्राम आपको सेवन करना है, कौन से परहेज़ आपको करने हैं, ये सभी बातें आप लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से बताई जा रही हैं। कोई भी बात आप लोग ना सुनने से चूक जाएँ, इसलिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, या फिर आप लोग अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, या फिर आप लोग एक वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं जिससे कि बार बार आप सुन सकें कि कौन सा नुस्खा आपको कैसे अपनाना है। तो बस आप लोगों को इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी, आदाब, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी जी, मेरी एज 50 साल की एज है, मुझे पार्किंसन डिजीज है। कब से है पार्किंसन डिजीज? मुझे करीब 8-9 साल से डिजीज है, और कंपनी आता है मसला, मुझे जकड़न आती है शरीर में। अच्छा, पूरे शरीर में है? हाँ, जकड़न, जकड़न कंपनी आता है, कंपनी होता है मुझे, जकड़न आती है। क्या आप पहले मेहनत का काम करते थे? नहीं सर, मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ और ऐसे कोई हार्ड वर्किंग मेरा काम नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ और वो आप ख़ुद बनाएं। हर चीज़ रॉ मटेरियल लेनी है और वो ख़ुद बनानी है, ख़ुद इस्तेमाल करनी है। एक तो आपके बात कोई और भी साथ में अगर सुन रहे हैं, आपकी पत्नी वगैरह, तो उनके लिए ये हिदायत कि मूंग की दाल की बनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा खिलाएं। मूंग की दाल की सब्ज़ी, मूंग की दाल की का हलवा, मूंग की दाल की खिचड़ी, जैसे जितनी भी आइटम बनती है मूंग की दाल को खूब कसरत से इस्तेमाल करें। और अलसी 300 ग्राम, 50 ग्राम बड़ी इलायची, अलसी 300 ग्राम, 50 ग्राम बड़ी इलायची, और सौंफ 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, गौंदसिया 100 ग्राम, इन सबको, गौंदसिया बड़ी मुश्किल से मिलेगा, असली लेना, ये बड़ा कड़वा होता है, इन सबको पाउडर बना लें और घर में पाउडर बनाएं। अलसी को अगर भून लें आप अच्छे से, इतना भून लें कि वो दरदरी हो जाए, थोड़ा सा भूनना बेहतर है, उसके बाद पाउडर बनाएं, तो पाउडर बनाने में भी आसानी होगी। और इसका 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 1 ग्राम सुबह इस पाउडर का, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाना खाने के बाद ही खाना है, और 5 बार गर्म पानी ज़रूर पीना है, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।